एंड यहाँ पे मेरी मम्मी और चाचा कुछ चोरी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या देख सकते हो आप लोग। तो ये मैंने मूली कबाड़ा, दो मूली चोरी किया मैंने। मैंने भी सोचा समय यहाँ पे लग गया था, हम लोग कौन को ये छिलका खाने का बहुत मन कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो सभी लोग, आई होप सभी लोग मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूँ। सो ये है पार्ट टू जो हम लोग खेत में आए उसका। एंड यहाँ पे मेरी मम्मी और चाचा कुछ चोरी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या। मैं जब बोल रही हूँ कि चोरी कर रहे तो कितना हंस रहे हैं इन लोग, देख लीजिए। ये चाचा और मम्मी मिलकर मिट्टी चोरी कर रहे हैं खेत में। क्यों चोरी कर रहे हो आप लोग मिट्टी? तो अभी हम लोग तो गाइस पापा गाड़ी निकाल रहे हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी और चाचा चोरी करने में लग गए हैं। अरे इतना चोरी करोगी पूरा भर के? तो यहाँ पे मिट्टी चोरी हो रहा है। अच्छा आगे हम निकले तो बड़ी मार मार। तो जो लोग हैं मिट्टी का खेत जिनका है गाइस, प्लीज आप लोग हम लोग को पनिशमेंट मत देना। हम लोग थोड़ा बहुत मिट्टी लेके जा रहे हैं आपके खेत में, तो बहुत 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 ज्यादा मिट्टी है। थोड़ा बहुत हम लोग ले लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपका दुपट्टा है ना मम्मी, काम आ जाएगा आज, दुपट्टा का भी काम आने वाला है। भर भर के लीजिए, देखिए बांधने के लिए निकाले तो बांधिए 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 बांधिए। तो चाचा यहाँ पे रुमाल निकाल रहे हैं बांधने के लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। एक और हम लोग थैला ले आते हैं, चोरी कर रहे हैं, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। गाइस चाचा आ रहे हैं मिट्टी का लेकर के, पूरा भर गया है और इसको हम लोग अभी अपने गाड़ी में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे रखा गया, अब बहुत और मतलब एक झोला और चोरी करेंगे। चलिए चलिए चोरी करिए पापा। गाइस मम्मी चाचा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप लोग? अच्छा वो खेत में आप लोग को स्पेशल स्पेशल खेत दिखाने वाली हूँ आज। बहुत सारा पेड़ पौधा आप लोग मेरे व्लॉग में देखिएगा, कुछ भी अनोखा कुछ भी अद्भुत चीज मैं आप लोग को अपने ही ब्लॉग में दिखाऊंगी। देख सकते हो गाइस मैं आप लोगों के लिए कितना मुश्किल वाला रास्ता यूज़ कर रही हूँ। इसमें मुझे चलने नहीं आ रहा लेकिन फिर भी मैं चल रही हूँ। और आप लोग को मैं आज दिखाने वाली हूँ यहाँ पे जो भी खेत में लगा हुआ है फसल, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब फसल देख करके। आई होप कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ गोभी, गोभी फूल गोभी जो होता है जिसका सब्जी हम लोग अभी बहुत खाते हैं ठंड में। पहले उसका पेड़ देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा मुश्किल है चलना मेरे लिए। वहाँ पे है देख सकते हो आप लोग वो है गोभी का पेड़। तो हम लोग जाएंगे अभी, इतना पतला पतला रास्ता से मुझे क्रॉस करके जाना होगा इधर से ऐसे, फिर वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ एक पेड़ भी है और वेदर कितना अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिट्टी और हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद चलेंगे। मुझे तो इस मिट्टी में चलने में थोड़ा प्रॉब्लम ही हो रहा है लेकिन फिर भी हम जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे सारा पेड़ पौधा आज। तो जब तक इन लोग आएंगे, मुझे ऐसे भी जाने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं स्लो स्लो ही जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं गाइस। मतलब गाँव नहीं गए बहुत दिन से तो प्रैक्टिस छूट गया है ना इस चीज़ों पर चलने का, कोई बात नहीं सब अच्छा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये शायद लहसुन है। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। हाँ आज देखिए मेरी ब्रॉन, आ जाओ, ये शॉर्टकट रास्ता अपना लिया है। एक मूली मैं आप लोग को कबाड़ के दिखा दी हूँ, फर्स्ट टाइम मैं मूली कबाड़ी हूँ अपनी लाइफ में, आज तक नहीं कबाड़ी हूँ। वाह जी मैंने मूली कबाड़ा गाइस, मैंने ये मूली कबाड़ा है फर्स्ट टाइम एवर अपनी लाइफ में मैंने मूली कबाड़ा है। बहुत सारा मूली है, एक दो और कबाड़ लेते हैं।
एक और एक और एक और एक और हाँ कहाँ से कर रहा है? आज मैं मूली खा रही है, दो मूली चोरी किया मैंने। मैंने भी सोचा कि दबे हाथ मैं भी कुछ चोरी कर लूँ। प्याज है और ये साइड साइड में ये बदमाश लड़की सब घुस जाती है, तोड़ दूंगी सब। और ये लहसुन है तो एक दो पेड़ मैं कवार लेती हूँ लहसुन का भी। और ये है गोभी का पेड़, सब लोग मुझे डांटते ही रहते हैं। ये गोभी का पेड़ है, वाह देख सकते हो लास्ट तक सिर्फ गोभी 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 भी उगा हुआ है, मतलब गोभी निकल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप लोग। तो ये गोभी है, बहुत खुशी हो रही मुझे इसे देख करके, अलग ही है ये। सो गाइस ये गोभी का पेड़ है, मम्मी लोग डांट दे रही हैं नहीं चोरी करूँगी। तो यहाँ पे गोभी का पेड़ था ये जो भी है, बहुत दूर तक गोभी 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 ही लगा हुआ है। और गोभी का पेड़ ख़त्म होगा तो क्या है देखते हैं। इसमें भी गोभी आया है, छोटू सा गोभी है, गोभी 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 गोभी। OMG मटर, तो ये है मटर का पेड़ गाइस, आप लोग नज़दीक से देखो इसमें मटर फरा भी है, देख सकते हैं आप लोग। ये मटर है और बहुत प्यारा प्यारा मटर लगा है इसमें, लेकिन अभी इसमें फल नहीं आया है। अभी ये मोटू सा होगा, अभी तो पतली पतली सा है, मोटू सा होगा। ब्राउन इधर आ जाइए। सो गाइस देख सकते हो ये है मटर का पेड़, इसमें से मटर निकला हुआ है। और ये पूरा खेत में सिर्फ और सिर्फ मटर ही लगा हुआ है। तो यहाँ भी अभी ये बड़ा होगा आई थिंक, एक भी मुझे बड़ा सा मोटू सा मिल जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। देख सकते हो आप लोग ये इस तरह का ये मोटू सा मटर होता है। तो एक मैं तोड़ लेती हूँ, कुछ तो निशानियाँ होनी चाहिए गाइस, है कि नहीं? आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं तोड़ी हूँ मैं गाइस। मैं क्या खाऊँगी, मुझे तो मटर मिल जाता है मार्केट में, बट मैं सोच रही हूँ कि एकदम मोटू ताजू वाला मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इस तरह से ही मटर, यहाँ पे गोभी का पेड़ और मटर का पेड़ ख़त्म होता है। और थोड़ा बहुत उधर दाल का पेड़ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पे मटर गोभी का पेड़ ख़त्म होते हुए बस इसमें फल नहीं आया अभी। आई थिंक 8-10 दिन में बहुत अच्छे से पेड़ में मटर उग जाएगा और मोटे मोटे वाले मटर होने वाले हैं। तो बहुत ही ये देसी मटर है और बहुत ही अच्छे मटर हैं, देख सकते हो गाइस। इधर तो बस मटर ही मटर दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने सारे मटर हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। मुझे देख के बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस मैं मटर के खेत में आ गई हूँ, बहुत 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 प्यारा है, देख सकते हो आप लोग। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना और मटर का एक साथ खींच लूँ, और उधर ब्राउन भी दिख रही है और इधर मैंने दो मटर भी तोड़े हैं। सो खाएंगे इसको गाड़ी में बैठ के। गाइस ये पीपल का पेड़ भी है बीच में, पता नहीं क्यों है, किस पर्पज़ से है मुझे नहीं पता। तो इसको भी मैं आप लोग को दिखा दी हूँ, ये पीपल का पेड़। गाइस ये देखिए मसूरी का पेड़ है, सब लोग बोल रहे थे झूठ झूठ कि चना का पेड़ है, लेकिन हमको पहचानने में आया कि ये मसूरी का पेड़ है। तो ये मसूरी का पेड़ है और ये चना का पेड़ है। ये भी मसूरी का ही है पौधा। तो जो दाल होता है मसूर का, वो वाला ये एक खेत है, इसमें मसूर का दाल उगने वाला है, और जो हम लोग खाते हैं जनरली चावल और दाल के साथ वो। एंड ये है सरसों, जो पीला वाला सरसों होता है उसका पेड़ है, क्योंकि इसका पत्ता कड़ा है लेकिन हाँ। तो ये सरसों का पेड़ है और यहाँ पे ये भैया दवाई छींट रहे हैं, और ये भी सरसों है, मतलब यहाँ पे फुल ऑन सरसों का ही पेड़ लगा हुआ है लगातार। और यहाँ पे मसूर दाल लगा हुआ है, तो ये भी बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो यदि मैं आ पाऊँगी तो दिखाऊँगी, और नहीं आ पाऊँगी तो कैसे दिखाऊँगी। तो गाइज अब हम लोग को भूख लग गया है, हम लोग को बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे लग गया था, हम लोग को भूख भी लग गया है। तभी हम लोग खाएंगे सेब, क्योंकि हम लोग अपना खाना लेके चलते हैं, देख सकते हो आप लोग सेब अच्छे अच्छे। तो हम लोग सब लोग इसको खा करके उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये ब्राउन को दूंगी, ब्राउन को ये छिलका खाने का बहुत मन कर रहा है। दिमू में दिख रहा है, गिर जाएगा।
काट ले सकता है? नहीं काटती है दीजिए ना, फिर ऐसे करिएगा तो जरूर काट लेगी, ऐसे कीजिएगा तो जरूर काट लेगी। हाँ पापा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे सेब खा रहे, चचा पूरा खा रहे, सेब खाने के पीछे लग गए। अरे कम खाइए। सो गाइस ये मैं आई थी यहाँ का, ये थर्ड वीडियो था। और कैसा लगा आप लोग को, मैं सारा पेड़ पौधा आप लोग को दिखाई हूँ, ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।